आईपीएल 2022 के बाद ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि दिल्ली कैपिटल्स वो टीम होगी जो आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाली है, क्योंकि इनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी दरकार दूसरी टीमों में बहुत ज्यादा है और इनकी प्लेइंग 11 में उन प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट देखो तो वो बहुत ही हद तक कन्फर्म हो चुकी है, जिसमें डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ, कप्तान ऋषभ पंत, एंड्रिक नौरकिया, अक्षर पटेल और पावल जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद कई ऐसे भारतीय और उसके साथ साथ विदेशी खिलाड़ी भी हैं जो कि आईपीएल की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल से अलग होने वाले हैं, और ऐसे ही चार खिलाड़ियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो मार्केट में इस समय काफी डिमांड में चल रहे हैं। सो विदाउट फर्दर डिले नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर वन प्लेयर जिनका दिल्ली कैपिटल से अलग होने की खबरें इस समय मार्केट में बहुत सुर्खियां बना रही हैं, इस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर। 11.25 करोड़ की रकम में दिल्ली कैपिटल्स ने शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम में शामिल किया था, और उस समय आईपीएल के मेगा ऑक्शन के बाद जो हमने इसी चैनल पर दिल्ली कैपिटल्स का रिव्यू किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेयर ठीक है शार्दुल ठाकुर, लेकिन 11.25 करोड़ रुपए शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन चूंकि वो इंडियन थे और दो स्किल सेट आपके लिए लेकर के आते थे, ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स ने उनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करना ठीक समझा। लेकिन एज अ थर्ड फास्ट बॉलर वो शार्दुल ठाकुर को खिला रहे थे और कभी कभी उनको शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, एंड शार्दुल ठाकुर वॉज नॉट एबल टू डिलीवर एज पर द एक्सपेक्टेशंस। और अगर आप उनके नंबर्स देखो तो बल्लेबाजी में उनका स्ट्राइक रेट 137 का था और गेंदबाजी करते हुए उनका इकोनॉमी रेट जो था वो 9.79 यानी कि तकरीबन 10 का था। ऐसे में इस समय चेन्नई सुपर किंग्स से रविंद्र जाडेजा और शार्दुल ठाकुर से दिल्ली कैपिटल्स के ट्रेड होने की खबरें बहुत ज्यादा मार्केट में आ रही हैं कि ये दोनों टीमें इन दोनों खिलाड़ियों को एक दूसरे के बदले स्वाइप कर सकती हैं। बाकी जो खबरें निकल करके आ रही हैं कि शार्दुल और अक्षर को वो चेन्नई सुपर किंग्स में भेज देंगे और वहां से रविंद्र जाडेजा ले लेंगे, उस पर मुझे बहुत ज्यादा अभी एतबार नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल्स इतनी बड़ी गलती करने वाली है कि रविंद्र जाडेजा के बदले आप अपने दो स्टार प्लेयर्स को उन्हें दे दो जो दो ऑलराउंड एबिलिटीज लेकर के आते हैं। शार्दुल ठाकुर के लिए मेरा मानना है कि अगर वो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खुद को खिला सकते हैं तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमने देखा है कि डेथ ओवर्स में शार्दुल ठाकुर का इस्तेमाल दिल्ली कैपिटल्स को महंगा पड़ा और खलील और नौरकिया एकदम अकेले अलग थलग दिखाई पड़े। ऐसे में उनको एक और तेज गेंदबाज की जरूरत है, और अगर शार्दुल ठाकुर पेस हिटर की भूमिका निभा पाते हैं तो शायद वो डीसी में बने रह सकते थे। लेकिन 11.25 करोड़ रुपए शार्दुल ठाकुर के लिए बहुत ज्यादा है, ऐसे में मुझे लगता है कि या तो ट्रेड विंडो में या फिर मिनी ऑक्शन में शार्दुल ठाकुर का नाम जरूर आने वाला है। सेकंड प्लेयर जिनका दिल्ली कैपिटल से अलग हो जाना उनके करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस विकेट कीपर बैट्समैन केएस भरत। केएस भरत को ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर अब टीम इंडिया में भी एज अ बैकअप विकेट कीपर जगह मिलती है, और दिल्ली कैपिटल्स में भी ऋषभ पंत के बैकअप विकेट कीपर वो थे, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। एक समय पर आरसीबी के लिए नंबर 3 पर उन्होंने अच्छा काम किया था, अगर आप उनके नंबर्स देखो तो 120/22 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है और उसके साथ साथ वो एंकर की भूमिका भी निभा सकते हैं, और 10 मैच उन्होंने अभी तक खेले हैं। लेकिन केएस भरत को दिल्ली कैपिटल से बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, और अगर वो दिल्ली कैपिटल्स में बने रहते हैं तो उनको बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिलेगा, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है। और केएस भरत भी ऐसी टीम में जाना चाहेंगे जहां उन्हें रेगुलर खेलने का मौका मिले, और अगर वो मिनी ऑक्शन में अपना नाम डालते हैं डीसी से अलग होकर के तो एक भारतीय विकेट कीपर के लिए जो कि इंडियन टीम से खेल रहा है टीमें काफी मोटी मोटी रकम खर्च कर सकती हैं। चेन्नई सुपर किंग्स हो सकता है उनके पास जाए, कोलकाता नाइट राइडर्स उनके पास जा सकती है, और तकरीबन सभी टीमें एक भारतीय विकेट कीपर को जरूर चाहेंगी जो कि कंपैरेटिवली यंग भी है। ऐसे में केएस भरत का मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल से अलग हो जाना कंफर्म दिखाई दे रहा है। थर्ड प्लेयर जिनका दिल्ली कैपिटल से अलग हो जाना उनके करियर के लिए केएस भरत से भी ज्यादा जरूरी है, इस फास्ट बॉलर चेतन साकरिया। अब चेतन साकरिया का नाम मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में ले चुका हूं, मल्टीपल वीडियोस में मल्टीपल टीम्स को उनकी दरकार हो सकती है। ऐसे में चेतन साकरिया भी भली भांति इस बात को जानते हैं कि अगर उन्हें खेलना है, क्योंकि वो एक समय भारतीय टीम से खेल रहे थे, श्रीलंका वो गए थे 2021 में डेब्यू कर रहे थे, लेफ्ट आर्म सीमर हैं जिनकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है, नए बॉल को दोनों तरफ स्विंग कराने की काबिलियत उनके अंदर है, डेथ ओवर में इंप्रूवमेंट के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ और ज्यादा बेहतर वो हो सकते हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स ने उनको
पैसे ठीक ठाक दिए थे, लेकिन आप अपने करियर में तभी आगे बढ़ोगे जब आप प्लेइंग 11 का रेगुलर हिस्सा बनोगे, और दिल्ली कैपिटल्स में जब तक कोई इंजरी वगैरह नहीं होती तब तक ऐसा होना बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ता है। और कई टीम्स ऐसी हैं जो कि चेतन साकरिया को हाथों हाथ खरीद लेंगी। अगर उनके नंबर्स आप देखो तो 8 की इकोनॉमी भी उनकी है, जो कि बहुत ज्यादा बुरी नहीं है। और चेतन साकरिया उसके साथ साथ एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि अभी युवा हैं और आगे जाते जाते एक्सपीरियंस के साथ साथ और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, और लेफ्ट आर्म एंगल उनका कमाल का है। ऐसे में चेतन साकरिया मेरे हिसाब से खुद दिल्ली कैपिटल से अलग होने की कवायद कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ प्लेयर जिनको दिल्ली कैपिटल्स अब अपनी टीम से पक्का रिलीज करने वाली है इज ओपनिंग बैट्समैन मनदीप सिंह। अब मेरे नजर में मनदीप सिंह इज अ वेरी गुड बैट्समैन। मैं खुद काफी लंबे समय से मनदीप सिंह का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूं, मुझे उनका खेल बहुत ज्यादा पसंद आया है, बट समहाउ ही हैजंट बीन एबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस जो एक समय उन पर दिखाए जा रहे थे, जो एक समय उनको नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट माना जा रहा था कि बंदा टॉप ऑर्डर में भी खेल लेता है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेता है। 2015 का आईपीएल सीजन याद आता है जहां पर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए उन्होंने कमाल का क्रिकेट खेला था, लेकिन उसके बाद अपने करियर को रिवाइव वो नहीं कर पाए। भारतीय टीम से भी एक आध मैच खेलने के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया, बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले, एंड ही हैज ओनली हिमसेल्फ टू ब्लेम। आईपीएल 2022 में भी उन्हें कुछ मौके मिले थे, वहां पर भी वो उन्हें भुनाने में कामयाब नहीं हुए। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स उन्हें तो जरूर रिलीज कर देगी, लेकिन क्या आईपीएल 2023 से पहले उन्हें कोई खरीदार मिलेगा, अब ये जरूर देखने वाली बात होगी। इन चारों खिलाड़ियों के अलावा फास्ट बॉलर लुंगी एनगीडी और विकेट कीपर बैट्समैन टिम साइफर्ट ये दो विदेशी खिलाड़ियों को भी रिलीज करने के बारे में सोच सकते हैं। लुंगी एनगीडी को भी दिल्ली कैपिटल्स से खेलने का मौका मिले इन द प्रेजेंस ऑफ एंड्रिक नॉर्किया, इसके चांसेस भी बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। और टिम साइफर्ट को शायद डेविड वार्नर के बैकअप के तौर पर अब नहीं देखेंगे दिल्ली कैपिटल्स, वो किसी और प्लेयर के पास जा सकते हैं। लेकिन ये जो चार भारतीय खिलाड़ी मैंने आपको बताए, इनका रिलीज हो जाना तकरीबन कंफर्म बताया जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स के पर्सपेक्टिव से, इन खिलाड़ियों के करियर में आगे बढ़ने के पर्सपेक्टिव से भी इनको दूसरी टीमों की जरूरत है, और दूसरी टीम्स भी इन खिलाड़ियों को बेहतर एकोमोडेट कर सकती हैं और इनको बेंच पर अपना समय नहीं बिताना पड़ेगा। उसके अलावा यश धुल जैसे खिलाड़ी ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल्स के पास हैं, तो उनको मनदीप सिंह पर अब इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स को किन प्लेयर्स को रिलीज करना चाहिए और किन प्लेयर्स का अब उनसे दूर हो जाना, अलग हो जाना तकरीबन कंफर्म हो रहा है, किन प्लेयर्स को वो रिटेन करेंगे। फटाफट से अपनी प्लेइंग 11 भी बताइए। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन, और इसी तरीके का कॉन्टेंट आपके लिए लगातार आता रहेगा। आईपीएल की ट्रेड विंडो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है वर्ल्ड T20 के बाद, और उसके बाद आईपीएल के मिनी ऑक्शन के लिए बहुत जबरदस्त कवरेज होने वाली है। सो यू हैव टू Stay tuned for everything that is coming your way, and I will see you soon in the next video.